एक्सट्रीम ड्यूओ बॉक्स जो है ना आपका, वो एक कर दे। ये देखो, ये मैं ये देख ले क्या कर दिया हमने, तहस नहस मचा दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जैन और आप देख रहे हैं महर जैन व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हूं मिस्टर इमाम के साथ, चोरी साहब किधर मोहम्मद जनाब, ठीक हो? इमाम भाई के साथ आज मैं हूं कलबी चिकन, सूसा रोड के ऊपर है, मेन सूसा रोड के ऊपर। सामने UBL बैंक है और हबीब मेट्रो बैंक है, इधर साइड पे जो है बाटा है। चलते हैं जी, फॉक्स एंड नाइफ के बिल्कुल साथ चलते हैं जी कलबी चिकन के अंदर। सबसे पहले जो है ये इनका एम्बियंस आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये इनकी बड़ी खूबसूरत सी सीटिंग है, साफ सुथरा माहौल है। वाइट येलो और रेड कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने अपने लोगों के साथ ही जो है अपना रखा हुआ है अंदर इंटीरियर। नो वन मेक्स इट क्रिस्पियर। चले ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सेल्फ सर्विस, ऑर्डर हेयर, कलेक्ट हेयर, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहले इनके मील्स वगैरह आ जाएंगे। वैल्यू मील में वैल्यू मील क्रंच बर्गर, काफी तेजी से इन्होंने एनिमेशन चलाई हुई है। खैर, अब आप रेट्स वगैरह इनके देख सकते हैं। आगे बर्गर्स एंड कॉम्बोज आ गए हैं, आगे शेयरिंग फेस्टिवल आ गया है, बर्गर फेस्टिवल आ गया है। तो जी हम यहाँ पर हैं फर्स्ट टाइम, देखते हैं जी इनका क्या है। यहाँ पर अब हॉट सेलिंग आइटम है जी। तो जनाब ये है कलबी चिकन का मेन्यू और फ्री होम डिलीवरी इनकी अवेलेबल है। मेन जो है इनके पास क्रिस्पियर चिकन है और बर्गर्स वगैरह हैं। बैक साइड पे भी देख लेते हैं। हाँ जी, बर्गर्स की वैरायटी है, पिज्जाज वगैरह नहीं है, यहाँ पे रैप्स हैं कुछ। तो इमाम भाई हमारे साथ हैं। हाँ जी सर, क्या ऑर्डर करना है? यार फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी देखते हैं। ये नाइन पीसेस चिकन जो है ये 1590 में है और फैमिली फेस्टिवल चार क्रंच बर्गर चार चिकन पीसेस 1750 में है। ये इन्होंने KFC तरह की डील बनाई हुई है यहाँ पर। मैं इनका ऑनलाइन मेन्यू देख रहा था, इन्होंने सब कुछ नेम और जो फैमिली फेस्टिवल और बर्गर फेस्टिवल ये सारा KFC का कॉपी कॉपी किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे डील्स वगैरह इन्होंने जो है KFC कॉपी की हुई है। टेस्ट अब कैसे है ये चेक करते हैं। तो जी डिसाइड करते हैं हम, तो फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं वहां पर जाके। ये तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम एक्सट्रीम बॉक्स यहाँ पर ऑर्डर करेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो पीस भी ट्राई हो जाएगा और हमारे पास ये साथ बर्गर भी ट्राई हो जाएगा। तो कैश काउंटर पे अभी कुछ कस्टमर्स खड़े हुए हैं, जैसे ही थोड़ा सा रश कम होता है तो चलते हैं। और इमाम भाई आप बताएं, लाहौर के हालात सुनाए। यार लाहौर के हालात भी बस ठीक है। लाहौर का बेस्ट बर्गर शॉप कौन सी है? यार मैंने जेजे से रैप खाया था, मुझे वो फास्ट फूड में अच्छा लगा था। जेजे से रैप और वो जो था उनका चीजियस ट्राई किया लाहौर में? चीजियस अच्छा है, अच्छा? लेकिन मैंने गया था, लेकिन जितनी हाइप उसकी बनी उतना नहीं है। आप कह लो कि सेम एज मिस्टर विंग्स जो के फैसलाबाद में, हाँ हाँ। लेकिन वहाँ पे मिस्टर विंग्स नहीं है। जो मिस्टर विंग्स का रॉयल क्रस्ट पिज्जा है ना, हाँ हाँ। वो वहाँ का चीज़ का होल फेवरेट माना जाता है। अच्छा अच्छा, तो मुझे तो सेम टेस्ट लगा। फैसलाबाद का 14th स्ट्रीट ट्राई किया है? 14th स्ट्रीट किया मैंने, वो सही है कि चीज़ सही है? या 14th स्ट्रीट में एक ड्रॉबैक है कि जो नया यूजर जाता है ना, नया कस्टमर जाता है, हाँ। मुझे यूजर क्या कहेगा, यूजर की आदत पड़ी है अपनी फील्ड के मुताबिक। जो नया कस्टमर जाता है ना, अगर तो आप उसको रिकमेंड करोगे, अगर तो आप उसको शेफ रिकमेंडेड करोगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो ना कि अपना कस्टम ऑर्डर बनाया, वो खराब कर देता है। हाँ, क्योंकि मैं भी लास्ट टाइम जब 14th स्ट्रीट गया था ना, तो वो जी उन्होंने कहा कि अपनी पहले आप डोर चूज करें कौन सी करनी है, फिर अपने जो है वेजिटेबल्स चूज करें कौन से करने हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। यही अगर उनके शेफ के ऊपर बात डाली जाए ना कि अपना जो है जो भी स्टैंडर्ड है आपका वो बनाए, तो वो ज्यादा अच्छी चीज बन जाती है एज कम्पेयर टू कि हम खुद जो है अपनी अपनी पसंद की चीजें ऐड करवाना शुरू करें। हाँ, यहाँ तो आप अगर बहुत ही फूडी है, महीने में 30 में से आप 24 दिन बाइट से खाना खा रहे हैं, फिर तो आपको पता है जी कि कौन सी डो में कौन सी सॉस लगनी है, कौन सी वेजी लगनी है और फलां चीजें लगा के फिर आप अपनी पसंद का बनवा सकते हैं। लेकिन ऐसा सच अगर आप ज्यादा फास्ट फूड के फूडी नहीं है और बस ये है कि महीने में एक या दो बार आपने पिज्जा ट्राई करना है, तो फिर ना आप खुद करवाएं, फिर उन्हीं को ही बनाने दें वो जैसा बनाते हैं। जी तो हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। एक्सट्रीम ड्यूओ बॉक्स जो है ना आपका, वो एक कर दे और फिलहाल अभी वो करें, बाद में हम जो है मजीद एडिशन कराना होगा तो कर लेंगे। कितना बिल है टोटल? सॉरी 1350। 1350
कार्ड पेमेंट अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी व्यूवर्स, कल भी चिकन में जो है कार्ड पेमेंट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आपको कैश पेमेंट ही करनी होगी। हाँ लेकिन ये कि जैस कैश पेमेंट अवेलेबल है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप कैश ही लेकर आए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है कर दें आप। अच्छा तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर नंबर जो है वो पंच हो गया और 2101 हमारा ऑर्डर नंबर है, और अगर हम यहाँ पर इनकी देखें स्क्रीन 2101 जो है वो ऑर्डर इन प्रोसेस है, जैसे रेडी होगा आई होप सो के वो रेडी टू सर्व पे आ जाएगा और हमें यहाँ पे जो है सेल्फ सर्विस पे खुद ऑर्डर कलेक्ट करना होगा। वेट करते हैं ऑर्डर रेडी होने का। जी तो व्यूअर्स 2101 ऑर्डर वहां पर अभी रेडी था, अभी जो है वो डिसअपीयर हुआ ही है, तो हम चलते हैं, इमाम भाई ने ऑर्डर ले लिया। अच्छा जी सबसे पहले ट्रे बिल्कुल KFC तरह, बॉक्स बिल्कुल KFC तरह, इमाम भाई पहले कह रहे थे सारा KFC कॉपी किया हुआ है। लेट्स चेक एंड टेस्ट, खोलो माम इसको। ये देखो ये मैं बात कर रहा हूँ, हाँ ये भी सेम जो है ना, ये फ्राइज कंटेनर जो है ये भी वो KFC वाला ही है। खैर ये हमारे दो आगे हैं पीसीज और दो आगे हैं बर्गर्स, इन्होंने नाम रखा होगा विंगर विंगराठा विंगराठा, ये नहीं ये तो जिंगराठा का रैप है, यानी कि जो ऊपर से जो होता है ना रैपर जो है वही इन्होंने जो है बर्गर के ऊपर लगा दिया, तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो है ये इनका क्रिस्पी पीस है, लेट्स ट्राई इट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैम ट्राई करो, पहले आपने रिव्यू देना है फिर मैंने रिव्यू देना है। ये है कि फूड फुल गर्म है, अच्छे वाले है, फ्राइज भी ठीक है, साइज भी ठीक है, गर्म भी है, और ये है कि छोटी छोटी फ्राइज नहीं है, स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। इमाम भाई ट्राई करेंगे और बताएंगे। सीम्स गुड, अच्छा टेस्ट है। अच्छा। जी मुझे भी जो है ना रेसिपी जो भी है इनकी, जो भी इन्होंने अपना टेस्ट रखा हुआ है, मुझे भी टेस्ट पसंद आया है, इमाम को भी टेस्ट पसंद आया है, गरम फूड है, अच्छा फूड है, 10/10 है। अब जब बर्गर ट्राई करेंगे तो उसका भी रिव्यू शेयर करूंगा। मैंने एक चीज करनी है यार, मैंने एक चीज नोट की है कि जब मैंने बड़ा बाइट लिया ना चिकन का, तो उसमें काफी ज्यादा ऑयल मेरे मुंह पे आया, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू KFC अगर इन्होंने नाम कॉपी की है ना, तो फिर इनको क्वालिटी भी लेनी चाहिए थी KFC वाली। लेकिन मैंने जब चिकन का बाइट लिया तो जूसी जूसी है, हालांकि दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन वो जो ऑयल है ना KFC का ऑयल आपको कभी भी मुंह में फील नहीं होगा, वो ड्राई होता है, उसका सिर्फ आपको टेस्ट फील आएगा, ठीक है, वो आपका जो ऑयल है ना मुंह भर नहीं देगा। हाँ, लेकिन सही इसमें ये चीज है। थैंक यू सो मच, ये अच्छा रिव्यू दे दिया इमाम भाई ने। वेल ट्राई करते हैं खाना और फिर बाद में मैं आपके साथ इसका फीडबैक शेयर करता हूँ। अच्छा तो व्यूअर्स यहाँ पर इनका बर्गर है, मैंने एक बाइट ली है, बर्गर का टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट वाइज जो है 10/10 है, बस वो थोड़ा जो ऑयली था उसका इमाम भाई ने मेंशन किया था, बाकी फूड गर्म भी है और सर्विंग टाइम भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, सफाई भी बहुत अच्छी है, बस एक थोड़ा सा ऑयली है, वो कोई बात नहीं, हो सकता है कि अभी जैसे फ्रेश आया है तो फ्रायर से निकाल के साथ इन्होंने हमें सर्व कर दिया हो। खैर टेस्ट अच्छा है इनका। जी तो व्यूअर्स ये देख लें क्या कर दिया हमने, तहस नहस मचा दिया। हाँ जी माम साहब, यार ओवरऑल इट वाज गुड, बर्गर अच्छा था। तो व्यूअर्स इमाम भाई कह रहे हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा था, हाँ जी बाकी खाना अच्छा था, सर्विंग भी अच्छी थी, गर्म फूड था, मेरी तरफ से भी 10/10, बाकी आप भी जरूर ट्राई करें, अगर आपने ट्राई किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कल्बी चिकन का फूड आपको कैसा लगा। ये था कल्बी चिकन का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान की हिफाजत कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।